हम लोग बात करेंगे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क एज वेल एज रिलीज ऑफ द मिल्क। ठीक है, तो हॉर्मोन्स की बात करेंगे, हॉर्मोन्स रिलेटेड टू मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एसटीएल प्रोलैक्टिन एंड रिलैक्स ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिंग का काम चाइल्ड करती है। हम लोग पढ़ रहे हैं हॉर्मोन्स रिलेटेड टू द मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। तो देयर आर थ्री फाइव हॉर्मोन्स, ये जो पांच हॉर्मोन्स है वो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है। प्रोजेस्टेरोन जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अल्वियोलर टिश्यू। अल्वियोलर टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है। एंड जो डक्ट्स है अल्वियोलर टिश्यूज का काम मिल्क का सिक्रीशन है, मिल्क का सिंथेसिस है। तो अल्वियोलर टिश्यू डेवलप्स अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड द डक्ट्स। डक्ट्स जिससे मिल्क बाहर निकलता है अल्वियोलाई से, डक्ट्स जो है उसका डेवलपमेंट होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एस्ट्रोजन। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन, प्लेसेंटा लगा हुआ है इसका मतलब जब प्रेगनेंसी होगी तभी यह हार्मोन निकलेगा। एंड दिस हार्मोन इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क अकर्स बाय अल्वियोलर सेल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एचपीएल। क्लियर, एंड प्रोलैक्टिन हेल्प्स, प्रोलैक्टिन हेल्प्स टू रिलीज द मिल्क फ्रॉम द डक्ट्स फ्रॉम द अल्वियोलर डक्ट्स। अल्वियोलर सेल्स इन टू द अल्वियोलर डक्ट्स। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, राइट। तो आपने क्या देखा, ये जो है ये जो अल्वियोलर सेल रहा था इसका डेवलपमेंट तो इसके कारण होता है और इससे जो ट्यूब निकला जिससे होकर मिल्क जाएगा इसका डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, ये इसके सेल्स मिल्क का सिंथेसिस करेगा, ये जो मिल्क बनाएगा और उसको इसमें रिलीज करेगा उसका काम एचपीएल का है। यहां से मिल्क आगे जाएगा ट्यूब में इसका काम प्रोलैक्टिन का है और मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड से बाहर जाएगा उसका काम ऑक्सीटोसिन का है। दैट इज व्हाई ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड मिल्क एजेक्शन हार्मोन। मिल्क का जो इजेक्शन होता है वह ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, तो इसको कहते हैं मिल्क एजेक्शन हार्मोन।